ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना हैबिट्स के बारे में, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हैबिट को बहुत बारीकी से स्टडी किया। हैबिट कैसे बनती हैं, खराब हैबिट कैसे अपने आप बन जाती हैं, अच्छी हैबिट लोगों ने कैसे बनाई, अपनी बुरी बुरी हैबिट्स को कैसे खत्म किया, ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों के हैबिट का यूज करके कैसे बहुत प्रॉफिटेबल बनी। तो और इसको जानने के बाद ऐसा लगा जैसे हम लोगों को कोई हमारे ब्रेन के छोटे छोटे बहुत बारीक बटन्स तार के बारे में बता रहा है कि यहां पर ये तार है, इसको आप यहां से निकालकर यहां लगाना है। और इसके पहले क्या करते थे हम, अगर हमारे पास हमारा ब्रेन एक टीवी की तरह है तो उसको धक्का मारते थे, थाड़ 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 चालू हो जाए। और अचानक किसी ने बताया नहीं, इसमें 15-20 बटन है, आप इस बटन को दबाओगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये हमारी हमारी आपकी सोसाइटी की कंपनीज की हर जगह पर द सीक्रेट ऑफ हैबिट, हैबिट कैसे बनती है ये है। आज का जो टॉपिक है हमारा, पेप्सरेंट नाम की एक टूथपेस्ट था, जब वो मार्केट में आया उस समय लोग टूथ ब्रश वगैरह करते नहीं थे, 70% लोग ब्रश नहीं करते थे सुबह उठ करके। मार्केट में टूथपेस्ट थे लेकिन लोग करते नहीं थे, क्यों? क्योंकि लोगों की ब्रश करने की क्या नहीं थी, हैबिट ही नहीं थी। इतनी बुरी हालत थी कि गवर्नमेंट ने इसको नेशनल बीमारी के नाम से घोषित कर दिया था। मिलिट्री में जब भर्ती होते तो बोलते पहले जाओ दांत ठीक करा के आओ, उसके बाद तुम्हारी भर्ती होगी। ये ऐसे ही है जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो तो आप मिलिट्री में नहीं जा सकते, आंख की प्रॉब्लम तो मिलिट्री में नहीं जा सकते। तो एक बंदे ने टूथपेस्ट को लोगों की हैबिट बनाई, पेप्सोडेंट वालों ने। उनका नाम क्या था जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था? उनका नाम था हॉपकिंस, क्लॉड हॉपकिंस ना, क्लॉड हॉपकिंस। इन हिज फाइनल ईयर ऑफ लाइफ, उनके आखिरी सालों में हॉपकिंस टुक द लेक्चर सर्किट, खूब ढेर सारा, ही बिकेम वेरी रिच, वेरी वेरी रिच थ्रू दिस स्पेशली पेप्सोडेंट। और वैसे भी उन्होंने लेक्चर्स लिया, ही टॉक्स ऑन द लॉज ऑफ साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग। साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग, पता है साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग बड़ी उल्टी चीज है, ऐसा कुछ चीज है नहीं। मैंने जब लखीमपुर आया और मैंने अपना वर्कशॉप स्टार्ट किया तो पढ़ाई का डॉक्टर एडवर्टाइजिंग किया, 500 रुपए महीने का एड दिया मैंने लोकल केबल टीवी में 4 महीने तक, कितना खर्चा हुआ 2000 रुपए, एक भी कॉल नहीं आई मेरे पास, ये एडवर्टाइजिंग है। फिर मैंने सोचा नहीं, एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, वो डालते हैं पैम्फलेट्स। मैंने करीब 10,000 पैम्फलेट छपवाए, उसको अखबार में बटवाया, एक भी कॉल नहीं आया। उस 10,000 पैम्फलेट छपने में मेरे लग गए होंगे करीब 2,000-3,000 रुपए। तो एडवर्टाइजिंग ये तुक्के वाली चीज होती है, आप भेज दो लोगों को अच्छा लगेगा तो बता देंगे। साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग तो ऐसा है जैसे कि आप ये बटन दबाओगे तो ये होगा, बट उन्होंने लेक्चर दिया इसके ऊपर एंड अट्रैक्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और इसको सुनने के लिए हजारों लोग आते थे। फ्रॉम स्टेजेस ही ऑफन कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू थॉमस एडिसन एंड जॉर्ज वॉशिंगटन एंड स्पन आउट वाइल्ड फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर, फ्लाइंग ऑटोमोबाइल फीचर्ड प्रोमिनेंटली। उस स्टेज पर जब लेक्चर देते थे बोलते थे पता है मैं जॉर्ज वॉशिंगटन जैसा हूं, या कौन, थॉमस एडिसन जैसा साइंटिस्ट, और बताते थे कि कैसे फ्यूचर में फ्लाइंग ऑटोमोबाइल्स, उड़ने वाली कारें आने वाली हैं। बट ही नेवर मेंशनड क्रेविंग और न्यूरोलॉजिकल रूट ऑफ द हैबिट लूप। एक चीज होती है उसको बोलते हैं हैबिट लूप, जब तक हमारी हैबिट लूप नहीं बनेगी तब तक हमारी हैबिट नहीं बनेगी। उस लूप में तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले क्यू, कि जैसे अगर सिगरेट पीने वाला आदमी है, अगर उसके सामने सिगरेट नहीं आएगा तो तब तक अवॉइड करता रहेगा, या बहुत बार उसकी वाइफ के साथ लड़ाई होना शुरू हो गई तो वो उसका क्यू हो गया, ट्रिगरिंग फैक्टर। तो पेप्सोडेंट में उन्होंने क्यू क्या यूज किया था, नातों में, दांतों में, वो बोलते थे आपके दांतों के ऊपर लेयर है, तो जब पब्लिक लेयर को छूती थी दांतों से तो उनको फील, हाँ मेरे दांत तो गंदे हैं, तो क्यू की तरह काम करता था। क्यू मतलब इनिशियल ट्रिगर, हैबिट लूप में सबसे पहले क्यू होता है, उसके बाद होता है रूटीन, वो जो आप काम करेंगे वो, और उसके बाद होता है लास्ट में रिवॉर्ड, ये शुरू होता है। लेकिन देखा यह गया है शुरू में आप काम करते हैं रिवॉर्ड के लिए, लेकिन धीमे धीमे आप करते हैं, रिवॉर्ड तो बाद में मिलेगा, उसके पहले ही क्रेविंग शुरू हो जाती है, एक्सपीरियंस करने से पहले ही क्रेविंग शुरू हो जाती है, फिर आप उस चीज को पहले से ही एंटिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। एंटिसिपेट मतलब पाने की इच्छा होना शुरू हो जाती है, बहुत स्ट्रांग इच्छा होना शुरू हो जाती है। और जब तक हमारा कोई हैबिट
क्रेविंग नहीं पैदा करेगा, हमारा हैबिट लूप में क्रेविंग नहीं आएगा, तब तक हमारी हैबिट नहीं बनेगी। चाहे प्रार्थना करने की हैबिट हो, चाहे हेल्दी एक्सरसाइज करने की हैबिट हो, या कोई भी चीज की हैबिट हो, जब तक वो क्रेविंग नहीं आएगी। क्रेविंग मतलब मुंह में पानी आना है, लालच की तरफ का, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ड्रग एडिक्ट लोग क्रेविंग करते हैं। एक हमारे फ्रेंड हैं, उनके पिताजी रोज सुबह 5 घंटे मेडिटेशन करते हैं और पिछले 30 साल से कर रहे हैं। उस बंदे ने केमिकल कंपनी का इंजीनियर का जॉब छोड़ दिया मेडिटेशन करने के लिए, उनको इतनी हैबिट पड़ी थी। और करते कैसे हैं, रोज सुबह उठ जाएंगे, 4-5 बजे उठते हैं, नहा धोकर के भगवान शंकर की मूर्ति ले लेंगे, अब पास लेकर बस में बैठकर जाएंगे, पता नहीं कोई मंदिर है वहां जाएंगे और वहां बैठ करके 3-4 घंटे बैठकर फिर वापस उस लेकर के घर पे आएंगे। ही इज अ वेरी रेनाउंड, उनकी बेटी डॉक्टर है, उनका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में जेट एयरवेज में जॉब करता है, तो वो हैबिट उनकी बन चुकी है। अगर हम और आप करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। और ये भी मत समझिए कि अरे यार वो तो बहुत महान है ना, उस बंदे की क्या हो गई, उसने हैबिट डेवलप किया है कुछ साल तक कर करके, अब उसको क्रेविंग होती है तो बोलता है। लेकिन इस बंदे को, हालांकि इसने ढेर सारे लोगों की हैबिट बनाई ब्रश करने की और बाकी चीजों की, बट उसको क्रेविंग वर्ड के बारे में ज्यादा पता नहीं था। आफ्टर ऑल इट वुड बी अनदर 70 ईयर्स बिफोर द MIT साइंटिस्ट एंड वोल्फ्राम शुल्ट्ज कंडक्टेड देयर एक्सपेरिमेंट्स। आखिर ये जो क्रेविंग वर्ड आया था, आया कहां से था, जब उनके 70 साल बाद MIT में रिसर्च हुआ और लोगों ने बंदरों को रिसर्च करके देखा कि क्रेविंग नाम की कोई चीज होती है जिसकी वजह से लोगों की हैबिट बनती है। सो हाउ डिड हॉपकिंस मैनेज टू बिल्ड सच अ पावरफुल टूथ ब्रश हैबिट विदाउट द बेनिफिट ऑफ दोज इनसाइट्स? उनको पता भी नहीं था, फिर भी उन्होंने टूथ ब्रश का हैबिट कैसे बनाया? वेल इट टर्न्स आउट मतलब फ्रेज है ये, इट टर्न्स आउट ऐसा है, वेल ऐसा है दैट ही एक्चुअली डिड टेक एडवांटेज ऑफ प्रिंसिपल्स इवेंचुअली डिस्कवर्ड एट MIT एंड इनसाइड शुल्ट्स लेबोरेटरी, इवन इफ नोबडी न्यू इट एट दैट टाइम। आज से करीब 100 साल हो गए होंगे, रमण महर्षि, नाम सुना है आपने रमण महर्षि का? अरुणाचल प्रदेश में नहीं, इंडिया में जो सबसे अच्छे संत माने जाते हैं, जिन्होंने किसी का शोषण नहीं किया, एक आम आदमी की तरह रहे, उसमें 2-3 नाम आते हैं। एक है रामकृष्ण परमहंस, किसके गुरु थे वो, स्वामी विवेकानंद के, और दूसरे रमण महर्षि, रमण महर्षि RAMAN रमण महर्षि। उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन तब भी एनलाइटेंड हो गए वो। तो उन्होंने कोई चीज ऐसी जानी जिसके बारे में बहुत सालों बाद किताब लिखी गई। तो ये कह रहे हैं कि MIT को और जो साइंटिस्ट को 70 साल बाद मालूम पड़ा, लेकिन वो उस चीज को जानते नहीं थे, फिर भी उसका यूज किया। नहीं बता रहा हूं। हॉपकिंस एक्सपीरियंसेस विद पेप्सोडेंट वरंट क्वाइट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज ही पोर्ट्रेज देम इन हिज मेमोयर्स। बोलता है जो पेप्सोडेंट के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इतने आसान नहीं थे कि हमने बस खटखट डाल दिया मिंट और उसके बाद लोगों को यूज करा दिया, ऐसा आसान नहीं था। दो ही बोस्टेड दैट ही डिस्कवर्ड एन अमेजिंग क्यू इन द टूथ फिल्म and bragged that he was the first to offer the consumers clear reward of beautiful teeth, it turns out that Hopkins wasn't the originator of that tactic. Basically, उन्होंने कैसे बेचा था पता है? ब्रश कहते थे हमने तीन चीज क्यू में हैबिट लूप में तीन कौन कौन सी चीजें हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। तो करते क्या थे, पहले क्यू दिया, वो तो भाई बताया कि आपके दांत के ऊपर एक फिल्म है, उसको निकालेंगे। फिर ब्रश करने के बाद उनको रिवॉर्ड कैसे देते थे, बाकी टूथपेस्ट नहीं देते थे, ये लोग देते थे। क्या रिवॉर्ड था? मिंट। मिंट जानते हैं क्या होता है? मिंट बनता है, हाँ हाँ, पुदीन, जो आप ठंडापन जो होता है ना किसी चीज में, उसको बोलते हैं मिंट। साइंटिस्ट बोलते हैं मिंट का टूथब्रश में कोई, टूथपेस्ट में कोई यूज नहीं है, उससे कोई दांतों की मजबूती नहीं आती, उससे खाली आपको फीलिंग आती है फ्रेशनेस की, तो ये रिवॉर्ड है। था इन्होंने यही किया कि पब्लिक को मिंट डाल डाल के रिवॉर्ड की फीलिंग दी। जब आपको रिवॉर्ड की फीलिंग आती है तो फिर आप उसको यूज करते हैं।
नॉट बाई लॉन्ग शॉट कंसिडर फॉर इंस्टेंस सम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ अदर टूथपेस्ट दैट फिल्ड मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर इवन बिफोर हॉपकिंस न्यू पेप्सोडेंट एग्जिस्टेड. कुछ एड उसके पहले भी आते थे. द इनग्रीडियंट्स ऑफ दिस प्रिपरेशन आर स्पेशली इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिपॉजिट्स ऑफ टार्टार फ्रॉम द कम्यूल accumulating before the neck of the teeth. Ad aate the ki hamara toothpaste use karenge to aapke daanton ke beech mein jo tar tar ikatthe hote hain kachre ikatthe hote hain wo saaf ho jayenge. Dr. Sheffield cream dentifrice that predicted Pepsodent clean that dirty layer. Ek doctor the unhone likhwaya tha us gande layer ko saaf karta hai. The charm of a lovely smile depends upon the beauty of your teeth. कि अगर आप सुंदर स्माइल चाहते हैं तो आपके दांत सफेद सुंदर होने चाहिए. इस कोई मतलब नहीं भाई, सुंदर स्माइल तो आप मुंह बंद करके भी कर सकते हैं. Read the advertisement that appeared while Hopkins was looking through the dental textbook. Hopkins ने बड़ा रिसर्च किया, डेंटल किताबें, मेडिकल की किताबें पढ़ी. Sanitol toothpaste quickly restores the original whiteness by removing film. Toothpaste, Sanitol, वो फटाफट फिल्म को हटाता है और आपके दांतों की सफेदी वापस लेकर आता है. The charm of the lovely smile depends upon the beauty of your teeth. वाली हो गया. The beautiful satin smooth teeth are often the secret of pretty girls' attractiveness. सुंदर सुंदर सफेद दांत लड़कियों की attractiveness का कारण है. ये ads थे. Use SS white toothpaste. यूज करिए एस एस वाइट टूथपेस्ट. डजन्स ऑफ अदर एडवर्टाइजिंग मैन हैड यूज द सेम लैंग्वेज एज पेप्सोडेंट ईयर्स बिफोर हॉपकिंस जंप्ड इनटू द गेम. हॉपकिंस जब आए थे ये सब अपना टूथपेस्ट बेचने के लिए, उसके पहले इस तरह के बहुत से एड आ चुके थे. ऑल ऑफ देयर एड्स हैड प्रॉमिस्ड टू रिमूव टूथ फिल्म एंड हैड ऑफर्ड द रिवॉर्ड ऑफ ब्यूटिफुल वाइट टीथ. सबने रिवॉर्ड क्या दिया था? ब्यूटिफुल वाइट टीथ. हैबिट लूप में तीन कौन कौन सी चीजें हैं? क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड. ये तीन चीजें हैं. क्यू मतलब दांतों के ऊपर काला काला बना हुआ है आपके पीछे, पीछे होगा शायद उसमें, नेक्स्ट पेज पे है. क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड. तो बाकियों ने रिवॉर्ड क्या दिया था? सफेद सुंदर दांत. None of them had worked, लेकिन उससे काम नहीं हुआ. But once Hopkins launched his campaign, sales of Pepsodent exploded. लेकिन Hopkins ने जब अपना कैंपेन स्टार्ट किया तो सेल्स एक्सप्लोड हो गया. Why was Pepsodent different? Pepsodent different क्यों था? Because Hopkins's success was driven by the same factor that caused Julio's monkey to touch the liver and housewives to spray Febreze on freshly made beds. Pepsodent created craving. ये वही कारण था जिसकी वजह से मंकीज वहां पर, मंकीज ने क्या किया था? जब मंकीज बटन दबाते थे तो उससे जूस आता था. फिर उन्होंने क्या किया, कुछ दिन बाद जूस को रोक दिया. तो जब नहीं आता था उनको, वो एंटिसिपेट करते थे तो क्रेविंग आई. ऐसे ही लेडीज जब काम कर लेती थी उस पर अगर वो डालती नहीं थी तो उनको क्रेविंग आती थी. तो क्रेविंग पैदा किया. क्रेविंग समझते हैं? किसी भी काम को करने की एक बड़ी, मैं इसको इकट्ठे कर रहा हूं किताबों को, पता है क्यों? ताकि मुझे क्रेविंग हो जब मैं बूढ़ा हो जाऊं या दो साल तीन साल में जब खाली बैठा हूं तो मुझे इसको देख करके. और मैं अक्सर, पता है, इसको खासतौर से इस किताब को इन सर्च ऑफ मेमोरी मुझे बड़ी क्रेविंग होती है देखकर, खास इसको मैं पढ़ूं टाइम निकाल के. एक ये भी किताब है बिजनेस एडवेंचर, बिल गेट्स ने कहा है, देखिए, द बेस्ट बिजनेस बुक आई हैव एवर रेड, बिल गेट्स. इसको देख करके मुझे बड़ी क्रेविंग होती है, लालच आता है. ये घर में नहीं है तो लालच नहीं आएगा. क्रेविंग वर्ड एक बार बोलिए. क्रेविंग उनको होती है, दारू पीने वालों को बहुत स्ट्रांग क्रेविंग होती है, सिगरेट पीने वालों को होती है, इवन पंडित पुरोहित जो बहुत ध्यान व्यान करते हैं उनको भी क्रेविंग होती है. हॉपकिंस डजंट स्पेंड एनी ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी डिस्कसिंग द इंग्रेडिएंट्स इन पेप्सोडेंट. उनकी जो किताब पढ़ेंगे हॉपकिंस की, उसमें पेप्सोडेंट्स में कौन कौन से केमिकल डाले गए हैं इसके बारे में बात नहीं करते हैं वो. बट द रेसिपी लिस्टेड इन द टूथपेस्ट पेटेंट एप्लीकेशन एंड कंपनीज रिकॉर्ड रिवील समथिंग इंटरेस्टिंग. लेकिन रेसिपी जो आप पढ़ेंगे उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. अनलाइक अदर पेस्ट ऑफ द पीरियड, पेप्सोडेंट कंटेन्ड सिट्रिक एसिड. पेप्सोडेंट में क्या था? सिट्रिक एसिड, एज वेल एज डोजेस ऑफ मिंट ऑयल एंड अदर केमिकल्स. और उसमें कुछ और मिंट ऑयल थे और कुछ केमिकल्स थे. पेप्सोडेंट्स इन्वेंटर यूज्ड दोज इंग्रेडिएंट्स टू मेक द पेप्सोडेंट टेस्ट फ्रेश. उससे पेप्सोडेंट का टेस्ट कैसा हो गया? फ्रेश. बट दे हैड अनदर अनएंटिसिपेटेड इफेक्ट एज वेल. लेकिन उससे एक और इफेक्ट आया. दे आर इरिटेंट्स दैट क्रिएट्स कूल टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द टंग एंड गम. ये इरिटेंट है, मतलब
दांतों में एक तरह का फीलिंग पैदा करते हैं जिससे कि आपके दांतों में चुभता है। यही पान खाने से भी होता है। जब पहली बार मैंने, मेरे ताऊ जी थे ना, तो वो चूना खाते थे, चूना, और आपने खाया, देखा है कभी चूना खाने वालों को, सुरती और चूना? हाँ, तो ऐसा वो सुपारी लेते थे, ऐसा करते थे, और सफेद रंग का चूना आता था उसमें लगा करके, वो लोग ऐसा ऐसा करके यहाँ खोल करके डाल लेते थे। मुझे लगा चूना तो बड़ा टेस्टी होता होगा। एक भी मैंने उनके उसमें से चूने दानी में से चूना निकाला, अपनी जीभ पे लगाया, मेरी जीभ कट गई, खून नहीं निकला, बट इतनी जोर से कटी कि मैंने जाकर टंग क्लीन करके खूब दिन भर साफ किया। बेसिकली सिट्रिक एसिड, मिंट ऑयल, इस चीज से उनके दांतों में, गम्स में, सब जगह पर क्या होता था, एक टिंगलिंग सेंसेशन आती थी। ये एक्सीडेंटली उनको मिला था। आफ्टर पेप्सोडेंट स्टार्टेड डोमिनेटिंग द मार्केट प्लेस, जब पेप्सोडेंट ने खूब बिकना शुरू कर दिया, रिसर्चर एट कंपीटिंग कंपनीज स्क्रैम्बल्ड स्क्रैम्बल्ड द फिगर वे आउट। उन्होंने सोचा उसकी किताब क्यों बिक रही है, हमारे क्यों नहीं बिक रही है। व्हाट दे फाउंड वाज दैट कस्टमर सेड दैट इफ दे फॉरगेट टू यूज पेप्सोडेंट दे रियलाइज देयर मिस्टेक बिकॉज दे मिस्ड दैट कूल टिंगलिंग सेंसेशन इन देयर माउथ। कस्टमर को पूछा, अच्छा तुम लोग पेप्सोडेंट करते हो, हमारा टूथपेस्ट नहीं करते, उसमें क्या फायदा है, उसे क्या अच्छा लगता है? बोलते हैं वो नहीं करते हैं ना, तो मुंह में ठंडा ठंडा नहीं लगता, मिस करते थे, ठंडा ठंडापन रहता है ना, 15-20 मिनट, आधे घंटे तक रहता है वो। दे इनफैक्ट मैं तो पेप्सोडेंट भी नहीं करता हूं, मैं कोलगेट भी नहीं करता हूं, एक उससे भी ज्यादा लास्टिंग असर है, मैं करता हूं वो डाबर लाल दंत मंजन। मेरा वो ब्रदर लॉ बोलता है, जीजू इसमें तो तीखापन है, तो मिर्च वाला है, पेप्सोडेंट में मिर्ची तो नहीं है, इसमें मिर्ची का असर है, काली मिर्च वगैरह पड़ी रहती है, तो उसका और मुझे स्वाद अच्छा लगता है, काफी देर तक रहता है। सॉरी सही बात है। दे एक्सपेक्टेड दे क्रेव्ड दैट स्लाइट इरिटेशन। लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिए कि इसको करने से मुंह में स्लाइट इरिटेशन आएगा। इफ इट वॉजेंट देयर देयर माउथ डिडंट फील क्लीन। अगर वो मुंह में है नहीं तो उनको भले दांत साफ हो, आप दातून ले लीजिए बाहर नीम का, उसे दांत साफ करिए तो उतना ही साफ हो जाएगा, बल्कि शायद ज्यादा अच्छा साफ हो, दातून बड़ा अच्छा चीज होता है। नहीं, नेक्स्ट पेज में, एक्चुअली पेज 2 इसमें है, इसके पीछे। लेकिन लोगों को फील नहीं होता है, क्यों पंडित लोग सब वो राम राम का कपड़ा पहनते हैं, ताकि उनको फील हो कि वो पंडित हैं, इसलिए सन्यासी को कपड़ा चेंज कराया जाता है। इफ इट वॉजेंट देयर द माउथ डिडंट फील क्लीन। क्लीन हो लेकिन फील नहीं होता था। मैं अभी वहां गया था, अपना एक कंबल ड्राई क्लीन कराने गया था बंबई में, बहुत गंदा था, उसको दिया, उसने साफ करके मुझे वापस किया, उसने एक पॉलिथिन में बड़ा सा पैक करके दिया, और जब मैंने उसको थोड़ा सा खोला उसमें से खूब सेंट की खुशबू आ रही है, मैंने कहा कितना अच्छा साफ किया। साफ तो बाकी दूसरा भी करता है, लेकिन उसने फील कराया हमको कि वो साफ था। क्लाउड हॉपकिंस वॉजेंट सेलिंग ब्यूटिफुल टीथ, वो सुंदर सुंदर दांत नहीं बेच रहा था, ही वॉज सेलिंग सेंसेशन ऑफ दैट टिंगलीनेस। वंस पीपल क्रेव्ड दैट कूलिंग टिंगलिंग, वंस दे इक्वेटेड इट, और उन्होंने जब उसको इक्वेट कर लिया क्लीनलीनेस के साथ, ब्रशिंग बिकेम अ हैबिट। ऐसे ही अगर आप कोई चीज, कोई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको किसी के जरिए क्रेविंग पैदा करना पड़ेगा, जो आपको फील कराए कि आपका प्रोग्रेस है। जैसे मैं कार्ड्स क्यों बना रहा हूं, पता है मेरे पास अभी टोटल 50 कार्ड्स इकट्ठे हो गए। एवरी टाइम वन कार्ड इज रेडी आई फील माई प्रोग्रेस। मैंने रिम्पी को बताया कि अगर कल हमारी जॉब यहां से चली जाए तो मेरे पास अगले 3 महीने तक के लिए काम इकट्ठा है। वो क्या काम है, ढेर सारे कार्ड्स बनाना, और जो कार्ड्स इकट्ठे हो जाए स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना। तो वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब ये पॉइंट बढ़ते जाता है तो फीलिंग आती है प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस में वैसे भी कर रहा होगा, मैं किताब पढ़ रहा हूं, बट फीलिंग आती है प्रोग्रेस की। व्हेन अदर कंपनीज डिस्कवर्ड व्हाट हॉपकिंस वाज रियली सेलिंग दे स्टार्टेड इमिटेटिंग हिम। फिर उन्होंने भी अपने शुरू कर दिया इमिटेट, कॉपी करना। विद इन फ्यू डेकेड्स, कुछ ही सालों में, ऑलमोस्ट एवरी टूथपेस्ट कंटेन्ड ऑयल्स एंड केमिकल्स दैट कॉज्ड गम्स टू टिंगल। सारे टूथपेस्ट में ये आ गया मिंट। Soon, Pepsodent started getting outsold. Pepsodent से भी ज्यादा और बाकी बिकना शुरू हो गए। Even today, almost all toothpaste contain additives with the sole job of making your teeth tingle after you brush. उनका खाली काम क्या है, दांतों को टिंगल कराए, जैसे च्युइंगम। च्युइंगम जब करते हैं तो च्युइंगम की वजह से ठंडा ठंडा लगता है, इसलिए आपको बिग बबल बहुत पसंद नहीं आएगा। बिग बबल खाया कभी च्युइंगम? उसका खाली मीठा पीठापन होता है, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन नहीं होती। लेकिन कौन सा टिंगलिंग देता है, सेंटर फ्रेश देता है, वो एड में भी दिखाते हैं, खूब ठंडा, खूब जोर से निकल के आ रहा है।
कंज्यूमर्स नीड सम काइंड ऑफ सिग्नल दैट प्रोडक्ट इज वर्किंग, हमको ऐसा कोई सिग्नल चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो काम कर रहा है. ट्रेसी सिंक्लेयर हु वॉज ब्रांड मैनेजर ऑफ ओरल बी एंड क्रेस्ट किड टूथपेस्ट टोल्ड मी वी कैन मेक टूथपेस्ट टेस्ट लाइक एनीथिंग, ब्लैकबेरीज, ग्रीन टी, एंड एज लॉन्ग एज इट इज कूल टिंगल पीपल फील लाइक देयर माउथ इज क्लीन. मैं यहां पर रुककर आपको दो मिनट एक होटल के बारे में बताना चाहता हूं. बंबई गए थे मैं और एमपी, वहां साफ सुथरा होटल था, बहुत साफ, मैंने उसकी कुछ फोटो भी खींची है. राम आश्रय उसका नाम था, 20 साल पहले गया था उसके यहाँ. उसके यहाँ कॉफी और डोसा मिलता था उस समय, कॉफी डोसा इडली सांभर ये मिलता था. इस बार गया तो वहां लिखा था पाइनएप्पल शीरा, पाइनएप्पल का हलवा. मैंने कहा पाइनएप्पल का हलवा, तो उन्होंने क्या था, सूजी का हलवा में पाइनएप्पल के पीसेस डाल रखे थे. उसको खाया तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लगा था जैसे गर्म आइसक्रीम, लेकिन टेस्ट था सूजी का, बड़ा अच्छा था. और जो डोसा था उसका भी टेस्ट अलग था, उसमें उन्होंने चीज डोसा बेचा था. तो हम लोगों ने खाया, अच्छा लगा, उसमें फिर वो भी खाया, पाइनएप्पल हलवा भी खाया. उसके बाद फिर चले आए. फिर शाम को अगले दिन खाना खाना था हम लोगों को, तो डिसाइड किया कहां जाएं, घर पे नहीं बनाते थे, बाहर ही खाते थे. फिर वो ये चलो चलो कहां जाएं, किसी और होटल में नहीं जाएंगे, उसी के यहां जाएंगे. किसके यहां, राम आश्रय के यहां. दूसरे दिन देखा तो वहां पर लिखा था रोस्टेड आलमंड शीरा हलवा विथ रोस्टेड आलमंड. रोस्टेड आलमंड मतलब बादाम, बादाम थोड़ा सा फ्राई करके मम्मी लोग भी डालती है, लेकिन उन्होंने खास फ्लेवर कर रखा था. तीसरे दिन गए तो उन्होंने, आज का स्पेशल हलवा कौन सा था, स्ट्रॉबेरी हलवा. उसी रवा के, उसी सूजी के हलवे में स्ट्रॉबेरी के पीसेस डाले थे. चौथे दिन जब हमने खाना खाया, एक और हलवा, ब्लैकबेरी हलवा, और टेस्ट सबका यूनिक. हमको फीलिंग आना शुरू हो गई, कुछ अलग खाया है हमने. उस होटल की कहानी यह है कि हमने 6 दिन में कम से कम 10 बार खाना खाया होगा हमने वहां पे, और जितनी बार जाते थे वी हैड टू वेट फॉर 5 to 10 minutes फॉर सीट. और ऐसा नहीं कि खास टाइम पर, सुबह 10 बजे जाओ तब भी, दोपहर को 12 बजे जाओ तब भी, रात को 10 बजे जाओ तब भी, सर 2 मिनट रुकिए जगह खाली हो जाएगी तब आप बैठिए. तो फीलिंग भी हम लोग को आना शुरू हो गया कि हम कुछ स्पेशल चीज खा रहे हैं, और रेट बहुत सस्ते थे. तो ये बोल रही है ओरल बी और जो क्रेस्ट के टूथपेस्ट मिलते हैं, हम अपने टूथपेस्ट को किसी भी टेस्ट का बना सकते हैं, ब्लैकबेरीज, ग्रीन टी, जो भी टेस्ट का, एज लॉन्ग एज इट इज कूल टिंगल पीपल फील लाइक देयर माउथ इज क्लीन. बस उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनका दांतों ठंडा हो रहा है तो उसका दांत साफ हो रहा है. द टिंगलिंग डजंट मेक द टूथपेस्ट वर्क एनी बेटर. टिंगलिंग से कुछ दांत साफ नहीं होता है, इट जस्ट कन्विंसेस पीपल इट इज डूइंग द जॉब. खाली उनको कन्विंस करता है कि मैं काम कर रहा हूं. Anyone can use the basic formula to create habit of their own. कोई भी आदमी basic, इस basic formula को use कर सकता है अपना habit बनाने के लिए. Want to exercise? Choose a cue such as going to gym as soon as you wake up and a reward such as smoothie after workout. मतलब आप अगर exercise की habit बनाना चाहते हो तो एक cue बनाओ, अपना shoes को खास जगह रखो कि उसको देखते ही आपको याद आए सुबह सुबह. या अपना track suit खरीद करके उसको एक खास जगह पर रखो कि उसको देखते ही आपको याद है. शुरू शुरू में नहीं होगा बट धीमे धीमे, और उसको करने के बाद अपने आपको छोटा सा रिवॉर्ड दो. कोई भी एक बिस्किट खिलाओ, आपका फेवरेट बिस्किट खा लो, खरीद करके रखो प्लीज. अभी डिस्कस करते हैं, देन थिंक अबाउट द स्मूदी. और फिर बाद में, उसके बाद क्या करो, बाद में स्मूदी के बारे में सोचो जो आपका रिवॉर्ड होगा. Eventually the craving will make it easier to push through the gym door every day. और फिर क्या होगा, जब reward के बारे में बार बार सोचेंगे तो craving आएगा, तो इसके through आप वहां जाएंगे. Want to craft a new habit? और आप नया habit बनाना चाहते हैं? When researchers affiliated National Weight Control Registry, a project involved more than 6,000 people who have lost more than 30 pounds, looked at the habits of successful dieters, they found 78% of them ate breakfasts every morning, a meal cued by the time of the day. उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया जिसमें हजारों लोगों को, मोटे मोटे लोगों का वजन कम किया. जिनका वजन कम किया गया था, 78% लोग जिन्होंने वजन कम किया, वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते थे. बट मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल डाइटर्स ऑल्सो एनविजन्ड अ स्पेसिफिक रिवॉर्ड फॉर स्टिकिंग विद द डाइट. और लेकिन जो लोग सक्सेसफुली अपना हैबिट बना पाए वजन कम करने का, वो अपने इस कंट्रोल के लिए एक अपने को रिवॉर्ड भी देते थे. और रिवॉर्ड क्या था, किसी ने अपने आपको बिकनी खरीद के दिया, स्पेशल बिकनी. They wanted to wear, जब पतले हो जाएंगे तो हम खरीदेंगे, wear, or the sense of pride they felt when they stepped on the scale every day. या तो जब गर्व महसूस करते थे जब वो weighing machine पे खड़े होते थे, आधा ग्राम कम हो गया, 100 ग्राम कम हो गया, 500 ग्राम कम हो गया.
दे फोकस्ड ऑन क्रेविंग फॉर दैट रिवॉर्ड व्हेन टेम्पटेशंस अराउज, और जब उनको टेम्पटेशन आता था ज्यादा खाने के लिए तो उस क्रेविंग पर फोकस करते थे कि मेरा वो बढ़ने वाला है अगर हमने यहां पर बचा लिया तो. The craving drove the habit. Craving से habit drive होती थी. For companies, understanding the science of craving is revolutionary. आज भी जो Facebook जैसी कंपनियां बनी हैं, वो marketing का almost जितना Apple, Sony करोड़ों रुपए marketing में देती हैं, ये लोग कोई पैसा नहीं देते. ये किस पर depend करते हैं? हमारी craving पर. मतलब हजारों करोड़ों रुपए इनका बच जाता है केवल हमारे इसी सीक्रेट को जानते हैं वो लोग. बस पब्लिक को क्रेविंग पैदा कर दो. एक सिंपल सा लाइक बटन जो है फेसबुक का, वो क्रेविंग पैदा करता है. हम लोग चेक करते हैं कि हमारे फोटो को कितने लाइक मिले हैं, कितने कमेंट मिले हैं, वो क्रेविंग है बेसिकली हमारी. होता है कंपनीज के लिए रिवोल्यूशनरी चीज है. देर आर डजन ऑफ डेली रिचुअल्स वी ऑट टू परफॉर्म एवरी डे दैट नेवर बिकम्स हैबिट. ऐसी बहुत सी चीजें जो हमको रोज करना चाहिए लेकिन हमारी हैबिट बनती नहीं. Which should watch our salt. We should watch our salt. हमको salt कम खाना चाहिए. Drink more water. ज़्यादा पानी पीना चाहिए. We should eat more vegetables and fewer fat. कम चर्बी खाना चाहिए, ज़्यादा vegetable खाना चाहिए. We should take vitamins. Apply sunscreen. हमको vitamin का time time पर खाना चाहिए. Sunscreen भाई जो अंग्रेज़ हैं उनको sunscreen लगाना चाहिए. The facts could not be more clear on his last front. Dabbling a bit of sunscreen on your face each morning significantly lowers the odds of skin cancer. अंग्रेजों के लिए कहा जाता है कि उनके स्किन में मेलेनिन कम होता है, एक केमिकल होता है, उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसीलिए वो लोग सन टैनिंग करते हैं, जाकर सूरज में अपने आप को काला करते हैं, तो उससे मेलेनिन बनता है. तो बोलते हैं सनस्क्रीन लगाओ और बाहर जाओ ताकि आपका सन स्किन कैंसर ना हो. येट वाइल एवरी वन ब्रशेज देयर टीथ फ्यूर Than 10% of American apply sunscreen every day. 70-80% लोग ब्रश करते हैं लेकिन खाली 10% Americans जो हैं सनस्क्रीन की क्रीम लगाते हैं. Why? Because there is no craving that has made sunscreen into daily habit. उनको पता है उससे नुकसान क्या होगा लेकिन क्रेविंग नहीं है उसके लिए. Some companies are trying to fix that by giving sunscreen a tingling sensation or something that lets people know they have applied it on their skin. वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्रीम में कुछ कुछ केमिकल डालें ताकि उनको कुछ फीलिंग आए, टिंगलिंग टाइप का. दे आर होपिंग इट विल क्यू एन एक्सपेक्टेशन द सेम वे द क्रेविंग फॉर टिंगलिंग माउथ रिमाइंड्स अस टू ब्रश आवर टीथ. ऐसा है जैसे ब्रश हमको याद दिलाता है कि हमको ठंडापन से हम काम कर रहे हैं. दे हैव ऑलरेडी यूज्ड सिमिलर टैक्टिक्स इन हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. इस तरह की टैक्टिक्स उन्होंने बहुत से प्रोडक्ट्स में यूज किया है. जैसे फोमिंग इज ए ह्यूज रिवॉर्ड. फोमिंग जानते हैं, साबुन में झाग, उसका भी कोई सफाई से कोई ताल्लुक नहीं है. Shays said Sinclair, the brand manager, shampoos doesn't have to foam, but we add foaming chemicals because people expect it each time they wash their hair. जितनी बार ब्रश करेंगे सब अरे साबुन लगा नहीं लगता है, अगर झाग नहीं आएगा इसका मतलब आपको फीलिंग नहीं आती कि आपके बालों की सफाई हो रही है. They have already used similar tactics in, sorry, they expect it. Same thing happens with laundry detergent, जो कपड़े धोने का साबुन है, and toothpaste. Now every company adds sodium ल्यूरेट सल्फेट टू मेक टूथपेस्ट फॉर्म मोर. ज्यादा मुंह से झाग निकला मतलब ज्यादा सफाई किया. द मोर देर इज नो क्लीनिंग बेनिफिट बट पीपल फील बेटर वेन देर इज अ बंच ऑफ सड्स अराउंड योर माउथ. जब आपके मुंह के बगल में सड्स निकलते हैं और झाग निकलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है. वंस द कस्टमर स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फॉर्म द हैबिट स्टार्ट ग्रोइंग. एक बार वो फॉर्म एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है तो हैबिट बनना शुरू हो जाता है. भगवान का भी ऐसे होना चाहिए ना, घंट जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो उधर हाँ खुश रहो बेटा ऐसा आवाज आनी चाहिए हर बार हम ज्यादा प्रेयर करेंगे. लेकिन सिनोगा में ऐसा है, मैंने देखा है जितनी बार थ्री स्टेप करिए, जितनी बार खाना कम करिए, आपका रिवॉर्ड मिलेगा मॉलिक्यूलर बॉडी में. आप ड्रीम की क्वालिटी इतनी डिफरेंट हो जाती है कि यू विल एक्चुअली फील इट इज कमिंग फ्रॉम सम वन सिटिंग एंड लिसनिंग टू यू. कल रात को मुझे ऐसा एक रिवॉर्ड टाइप का मिला मॉलिक्यूलर बॉडी में. Craving are what drives habit. Habit किससे चलती है? अच्छे habits की वजह से नहीं चलती. आपको कोई बता देगा इससे ये फायदा होगा, उससे नहीं चलती है. किससे चलती है? Craving से, लालच से. And figuring out how to spark a craving makes creating a new habit easier. तो अगर आपने ये देख लिया कि कैसे मैं craving पैदा करूं अपने लिए, तो आपकी habit बनना आसान हो जाएगी. It is as true as it was almost a century ago. ये इतना ही सच्चा आज भी है जितना 100 साल पहले था. Every night, millions of people scrub their teeth in order to get a tingling feeling. Every morning, millions put their jogging shoes on to capture an
एंडोर्फिन रश दे हैव लर्न टू क्रेव हर रोज. बहुत से लोग जॉगिंग करते हैं. हम लोग जो बॉम्बे गए थे, एक फाई गार्डन है, आप सुबह वो मुश्किल से उसका एरिया होगा जितना यहां से लेकर, आप चले जाइए यहां पर भी चले जाइए, जो एक रोड है ना डीएम रोड, डीएम बंगले का रोड है, उस पर रोज सुबह आपको कम से कम 400-500 लोग मिलेंगे. एंड दे गेट होम आफ्टर दे क्लीन द किचन और टाइडी देयर बेडरूम, सम ऑफ देम विल स्प्रे अ बिट ऑफ फैब्रिस. और बहुत से लोग अपने घर में स्प्रे करते हैं वो फील करने के लिए फ्रेश. तो हम अपनी हैबिट कैसे बनाएं, क्रेविंग पैदा करके. और क्रेविंग कैसे पैदा होगी, खाली अच्छे काम को करके नहीं, अच्छे काम को करके एक रिवॉर्ड दे करके. रिवॉर्ड नहीं देते हम लोग. अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया आज, तो उसके लिए अपने आपको छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए. आपने अगर होमवर्क कर लिया, उसको प्रिंट आउट निकाल करके सेव कर लीजिए. यस, अलग अलग रिवॉर्ड, अलग अलग, बिल्कुल. तो अगर हम अपने बच्चों का हैबिट नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब उनको रिवॉर्ड नहीं कर रहे. समझिए, हैबिट डांटने से नहीं बनती, हैबिट रिवॉर्ड से ही बनती है, बिकॉज बच्चा फिर उस रिवॉर्ड के लिए काम करता है. मां बाप बोलते हैं कि, मेरी मम्मी बोलती थी, जाओ जाओ हनुमान जी को रोज हर मंगलवार को लड्डू चढ़ा के आओ. मैंने ऑलमोस्ट 2 साल तक लड्डू चढ़ाया उनको, फिर भी 10th में मैं 90% नहीं पाया, 70% पाया. मुझे बहुत गुस्सा आई, 20% खा गया मेरा हनुमान जी. लेकिन वो हैबिट जो थी, मेरे को खुद रिवॉर्ड कभी नहीं मिलता था उसमें, नहीं तो वो स्ट्रांग हो गई होती. जाते थे हर मंगलवार को, पाव किलो लड्डू लेते थे या मिठाई विठाई थी, चढ़ाया, 4 तो वही खा जाता था मंदिर वाला. 4 बजते थे, घर पे आए तो लोग प्रसाद खा जाते थे, मुझे खाने को लड्डू भी नहीं मिलता था, वो भी नहीं मिलता था मुझे रिवॉर्ड. शायद रिवॉर्ड के चक्कर में लोगों ने प्रसाद मंदिरों में डालना शुरू किया है. कहीं ना कहीं उस मीठापन से क्रेविंग पैदा होता है. घंटी जो होती है वो भी एक तरह की सेंसेशन होती है कि हम गए हैं मंदिर में. अगरबत्ती की खुशबू से फीलिंग आती है कि आप बहुत पवित्र जगह बैठे हैं, बिकॉज वो क्रेविंग पैदा करता है पवित्र. ताकि सो बच्चों को अगर हैबिट डेवलप करना है तो रिवॉर्ड